डोमेन और रेंज की सीरीज़ में जो मैं लास्ट वीडियो इसका ले रहा हूँ, इसके अंदर मैंने सारे ही क्वेश्चन रेंज या फिर परिसर इसके लिए हैं। तो रेंज कैसे फाइंड करेंगे किसी फंक्शन की, वह हम इनमें कुछ क्वेश्चंस लेकर के देखते हैं। मैंने सबसे पहले क्वेश्चन लिया है एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स माइनस थ्री। ध्यान रखें इसकी जगह एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस वन, कुछ भी आए एक्स माइनस ए टाइप से, तो ये फंक्शन रियल हो और डिफाइंड हो यानी परिभाषित हो, तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना। रूट के अंदर जो भी टर्म है उस टर्म को आपको ग्रेटर एंड इक्वल देन ज़ीरो बता करके, और फिर दोनों तरफ, क्योंकि x माइनस थ्री अगर ज़ीरो से ग्रेटर और इक्वल है तो रूट करने पर भी वह ग्रेटर एंड इक्वल ही रहेगा। तो अब ये देखिए, मैंने दोनों तरफ वापस रूट लगा दिया, इधर भी रूट लगा दिया, इधर भी रूट लगा दिया। अब रूट वापस लगाते ही हमारा ये फंक्शन क्या बन गया, एफ एक्स बन गया। तो ये एफ एक्स होता है वाई, यानी रेंज के अंदर हमें वाई फाइंड करना है कि वाई की वैल्यू इस फंक्शन में कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगी। तो उस केस में आप देख लो वाई ग्रेटर एंड इक्वल देन ज़ीरो हो गया, तो ये वाई बिलोंग्स टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है और ज़ीरो इंक्लूड है, तो रेंज हो जाएगी ज़ीरो टू इन्फिनिटी। मतलब क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाए आपको, जैसे मान लो कोई आपके फंक्शन दे रखा है एक्स माइनस सेवन और रूट में, तो आपको देखते ही पता चलना चाहिए कि इसकी रेंज जो होगी वो ज़ीरो टू इन्फिनिटी होगी। यूनिक सेवन आ रहा तो इसमें सेवन वाला ऑप्शन डाल दें, यहाँ कोई भी डिजिट आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर टू है टू अपॉन रूट थ्री माइनस एक्स। देखिए यहाँ मैंने फंक्शन को चेंज कर दिया है, मैंने अपॉन में ले लिया है, तो यहाँ पर भी रूट थ्री माइनस एक्स, क्योंकि थ्री माइनस एक्स जो है वो आपके ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। देखिए यहाँ मैंने इक्वल नहीं लगाया है, इक्वल जब ये ऊपर होगा तभी लगेगा अंश के अंदर, या अगर नीचे आएगा तो फिर अगर अपन इक्वल लगा देते हैं तो ये वन अपॉन ज़ीरो बन जाएगा, तो ये फंक्शन जो है अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए मैंने जब भी अपॉन में आए तब अपन इक्वल ज़ीरो नहीं कर सकते। अब मैं दोनों तरफ रूट लगा देता हूँ, और फिर मैंने रूट लगाते ही इसको दोनों को मैंने वन अपॉन कर दिया, इसको वन अपॉन कर दिया और इसको वन अपॉन कर दिया। आपको पता है कि वन अपॉन करते ही ये ग्रेटर एंड इक्वल देन वाला साइन जो है रिवर्स हो जाता है, तो मतलब ये आपको पता होगा ये वाली बात कि जब फोर ग्रेटर देन थ्री है तो अगर इनको वन अपॉन करोगे तो ये रिवर्स हो जाएंगे, यानी वन अपॉन थ्री इससे बड़ा हो जाएगा। तो ये इस तरीके से मैंने इस पूरे को दोनों तरफ वापस टू से मल्टीप्लाई करूं तो ही फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे क्या बन गया, फंक्शन एफ एक्स, और एफ एक्स लेस देन इन्फिनिटिव मतलब वाई बिलोंग्स टू यानी इन्फिनिटिव से कम कह रहा है। ध्यान से देखना, ये ऊपर वाई इक्वल टू प्लस का इन्फिनिटिव और नीचे वाई इक्वल टू माइनस का इन्फिनिटिव, ये ध्यान रखें आप। तो उस केस में यहाँ इन्फिनिटिव से छोटा है, मतलब इसके और इसके बीच में है, तो y बिलोंग्स टू ये, लेकिन यहाँ पर यूनिक आप इसी को आंसर लिख दो। यहाँ एक प्रॉब्लम है क्योंकि हमने शुरुआत में कह दी थी कि इसमें से अपन ने जीरो को रिमूव कर दिया है, नॉट मतलब ये जो फंक्शन है ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता है, तो हमने इसके अंदर y को नॉट इक्वल टू ज़ीरो किया है, और इस वजह से हमारे ये R में से रियल एंड टोटल रियल नंबर ही है, और रियल नंबर में से मैंने इसको जीरो रिमूव कर दिया, तो ये बचा हुआ है जो है रेंज हो जाएगा। इस तरीके से आप इसकी रेंज फाइंड करें। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मैंने क्वेश्चन चेंज कर लिए हैं, आप पैटर्न पकड़े क्वेश्चन के, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ इस तरीके के फंक्शन में रेंज और या परिसर फाइंड करना है, तो आप मैंने इसको क्या किया, जो क्वेश्चन डायरेक्ट जैसे पीछे मैंने बताया वैसे अगर वो डायरेक्ट फंक्शन में कन्वर्ट नहीं हो सकता तो आपको क्या करना है कि इस फंक्शन को एक्स की वैल्यू निकाल लेनी, यानी कि यहाँ वाई लिख दो
और वाई से इसको मल्टीप्लाई करो क्रॉस में, और ये वाई इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसको वाई लिखा है, एक्स वाई अंदर मल्टीप्लाई किया और मैंने एक्स में द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। इसको मैंने एक्स के लिए सोल्व किया। अब यहाँ जैसे ही मैंने एक्स के लिए सोल्व किया तो यहाँ एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन प्लस माइनस रूट में ये आ रहा है। यहाँ दो चीज़ देखनी है आपको, एक तो वन माइनस फोर वाई स्क्वायर ग्रेटर एंड इक्वल देन जीरो होगा, ऊपर है तो ये इक्वल भी लगेगा, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर यानी फंक्शन जब रियल हो उसके लिए। तो इसको मैंने रिवर्स कर दिया, माइनस कॉमन लिया तो फोर वाई स्क्वायर माइनस वन लेस एंड इक्वल देन जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ साथ में एक टर्म लिया अपन ने कि y नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि y नीचे आ रहा, y नीचे जीरो कर दिया अगर तो ये फंक्शन जो है अपरिभाषित हो जाएगा। तो इससे y स्क्वायर लेस एंड इक्वल देन वन अपॉन फोर, तो y की वैल्यू माइनस वन बाई टू से वन बाई टू के बीच वेरी करेगा और दोनों इक्वल भी है। तो यहाँ पर क्लियर y बिलोंग्स टू माइनस हाफ टू हाफ। अब यहाँ ये रेंज है या नहीं थोड़ा हमें यहाँ सोचना पड़ेगा। हम इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते हैं, ये ऑप्शन में होगा लेकिन इसमें से जीरो, क्योंकि अपन ने पहले कह दिया कि माइनस हो जाएगा, जीरो रिमूव करना पड़ेगा, ऐसा हमने शुरू में कहा था। लेकिन बाद में क्या है कि यहाँ अगर आप देखो तो मैंने इसको जीरो भी इंक्लूड कर रखा है रेंज के आंसर में, आप देख लें ये जीरो मैंने इंक्लूड कर रखा है। कारण कि अगर मैं यहाँ एक्स की इसकी जगह यानी वाई की वैल्यू, ये जो है वाई की वैल्यू अगर मैं ज़ीरो करूं तो ये इधर मल्टीप्लाई होती पूरा ज़ीरो हो जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो। तो यानी कि एक्स इक्वल टू जीरो पर वाई इक्वल टू ज़ीरो पर भी ये अटेंड कर रहा है, यानी कि एक्स की किसी न किसी वैल्यू के लिए वाई ज़ीरो भी हो रहा है, इसलिए मैंने ज़ीरो को भी इंक्लूड कर दिया। तो ये हमारा इसकी रेंज हो जाएगी। फिर मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन ले रहा हूँ फोर्थ वाला, देखिए फंक्शन में चेंज किया मैंने 3 अपॉन 5 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर भी डायरेक्ट फंक्शन चेंज नहीं हो सकता और इस वजह से मैंने इसको y लेट करके और पूरा y में बदला और इस तरीके से मैंने इसको x के लिए सोल्व कर लिया। ये एक कॉमन बात है रेंज फाइंड करने के लिए, मैं अगर डायरेक्ट फंक्शन चेंज नहीं हो पा रहा है ठीक है तो उस कंडीशन में आपको y में बदलना और उसको x के लिए सोल्व करना। अब यहाँ पर भी देखिए y नीचे आ रहा है, दो कंडीशन बन रही है। पहली बात तो ये पूरी टर्म जो है ग्रेटर एंड इक्वल देन ज़ीरो होगी, लेकिन इसके अंदर फिर से वाई नॉट इक्वल टू जीरो होगा जो नीचे आ रहा है। तो मैंने 5y माइनस 3 ग्रेटर एंड इक्वल देन ज़ीरो कर दिया और इससे y ग्रेटर एंड इक्वल देन 3/5 और फिर y नॉट इक्वल टू जीरो क्योंकि जो नीचे आ रहा था। अब यहाँ आपको एक खास चीज़ देखनी है, y ग्रेटर एंड इक्वल देन 3/5 तो y की ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि y की वैल्यू 3.52 इनफाइनाइट होगी, जिसमें ये तो शामिल नहीं है और ये शामिल इक्वल लग रहा है इसलिए। फिर हमारे इधर यहाँ आप देखें इसके अंदर, क्योंकि y नॉट इक्वल जो चल रहा है ठीक है, तो उस केस में हमारे पास में यहाँ जब कभी y नीचे आता है ठीक है ना, जनरली y नीचे आता है इस तरीके से रूट में, तो उस केस में आपके माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो भी शामिल हो जाता है। हम डायरेक्ट ये आंसर नहीं लिख सकते हैं, हमें वापस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कैसे, ये तो क्लियर दिख रहा है लेकिन ये पता कैसे चल रहा, खाली या यही तो कह रहा कि वाई नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो उस केस में आप देखें यहाँ अगर आप इस फंक्शन में वाई की वैल्यू माइनस में पुट करते हैं, ज़ीरो पुट नहीं करते हैं, ये तो कर सकते हैं, ये तो अपने को क्लियर दिख रहा है, नहीं तो फलन अपरिभाषित हो जाएगा 1/0। लेकिन हम y की वैल्यू हम यहाँ से नीचे की तरफ कोई भी वैल्यू लें अगर y इक्वल टू जीरो को छोड़ते हुए, तो आप देखो ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, यानी कि ये पूरा फंक्शन वापस प्लस हो जाएगा, तो प्लस तो हो सकता है, इसलिए y की सारी नेगेटिव वैल्यू के लिए भी ये फंक्शन डिफाइंड होगा और इसलिए मैंने माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो भी इसमें शामिल किया है। ये आपको याद रखना पड़ेगा फंक्शन को डायरेक्ट, कोई कहता है कि डायरेक्ट आंसर लिखें, डायरेक्ट नहीं, फंक्शन को ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा, हमें इस तरीके से डायग्राम बना करके बताना पड़ेगा। तो ये
इस तरीके से इसकी रेंज आएगी माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो यूनियन 3.5 टू इन्फिनिटी, यानी ज़ीरो और थ्री एक्स की वाई की वैल्यू 3.5 जो भी यहाँ कहीं होगी इस जगह, तो ज़ीरो से लेकर के यहाँ तक का जो ये पोर्शन है ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा। इस तरीके से इसकी रेंज फाइंड करते हैं। फिर हम बात करें नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिया मैंने, ये 5 वाला, आप देखें एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स माइनस वन फोर माइनस एक्स। ध्यान रखें इसका डोमेन यानी कि प्रांत तो देखते ही पता चल रहा है 1 और 4 हो जाएगा, प्रांत इसका ध्यान रखना कुछ नहीं है, प्रांत तो 1 और 4 हो जाएगा और इसके अंदर ये दोनों ही शामिल होंगे, ये तो है प्रांत। हमें यहाँ परिसर फाइंड करना है इसलिए मैं इसको फोकस नहीं करूँगा, ठीक है, ये इसका आंसर है प्रांत के लिए। लेकिन यहाँ पर भी फंक्शन डायरेक्ट चेंज नहीं हो पा रहा है तो मैंने इसको वायलेट किया और वाई के लिए सोल्व किया, तो आप देखो मतलब वाई में डाल करके एक्स के लिए सोल्व किया तो एक्स इक्वल टू हमारे पास टर्म ये आ गई। यहाँ आप देखो तो नीचे कोई वाई टर्म नहीं आ रही है, रूट में केवल वाई टर्म आ रही है, तो रूट वाले टर्म को आप ग्रेटर एंड इक्वल देन जीरो कर लें रियल फंक्शन के लिए, तो ये 4y स्क्वायर लेस एंड इक्वल देन n हो जाएगा। मैंने इसका माइनस कॉमन ले लिया है, आप जानते हैं बात, तो ये y बिलोंग्स टू माइनस 3/2 to 3/2 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब नीचे कोई y टर्म नहीं आ रही है, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर डायरेक्ट ही आप माइनस 3/2 to 3/2 इसकी रेंज लेंगे, बिल्कुल ईजी काम। इस तरीके के फंक्शन में कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप कर सकते हो आराम से। अब ये आंसर आप डायरेक्ट देख के नहीं लिख सकते हो, देख लीजिए ये टर्म जो नज़र आ रही है ये इस फंक्शन में कहीं नज़र नहीं आ रही है, इसलिए आपको इसको ऐसे करना ही पड़ेगा, तो जनरल कैलकुलेशन है आपको पता है। फिर क्वेश्चन 6 में आप देखें एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी आपको डायरेक्ट फंक्शन नहीं बनेगा और इसलिए आपको इसको वाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको वाई लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और फिर इसको एक्स के लिए सोल्व किया। अब यहाँ फिर से देखिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, ऊपर y है नीचे 1 माइनस वाई है, तो पहली बात तो ये पता है कि y अपॉन 1 माइनस वाई इज ग्रेटर एंड इक्वल देन जीरो हो जाएगा। फिर ये किसके लिए, रियल फंक्शन के लिए, x की रियल वैल्यू के लिए। अब मैंने इसमें से माइनस कॉमन लेते ही इसको लेस एंड इक्वल देन कर दिया है। फिर यहाँ दो चीज़ आ रही है, एक तो y लेस एंड इक्वल देन जीरो, दूसरा y माइनस वन लेस देन जीरो। y माइनस वन जीरो तो हो नहीं सकता, तो y लेस एंड इक्वल देन जीरो है तो उस केस में हमारे ये y जीरो टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। और इधर आप अगर ध्यान से देखो तो हमारे ये y लेस देन वन कह रहा है, यानी यहाँ पर y इन्फिनिटी टू y माइनस इन्फिनिटी, और बीच में हमारे यहाँ इसने क्लियर कह दिया है कि ये वाई इक्वल टू ज़ीरो है, तो और वाई की वैल्यू अपने को वन से लेस लेनी है, तो यहाँ पर आप वन कहीं ना कहीं ये ऊपर इस जगह होगा, ये वाई इक्वल टू वन, तो आपको वाई की वैल्यू एक से कम यानी कि यहाँ से आपको नीचे आना है, ठीक है। और इधर वापस इसने ये भी कह दिया कि वाई की वैल्यू जीरो से इन्फिनिटिव है, यानी ऊपर तो कह रहा कि y की वैल्यू 1 से लेस है, ये बात कह रही थी ये वाली बात, तो इधर से आपको नीचे आना, लेकिन यहाँ कह रहा है कि नहीं y की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी है, यानी ये 0 से वापस इन्फिनिटी, तो उधर से बांध दिया इधर से बांध दिया, यानी पक्की बात y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0, जिसमें आपके 0 इंक्लूड है, तो उस केस में इधर तो लिमिट हो गई 0, इधर हो गई 1, तो हमारे पास y की वैल्यू हो जाएगी 0 to 1, जिसमें 1 इंक्लूड नहीं है क्योंकि क्लियर कहा इसने लेस देन, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा रेंज का। ध्यान रखना ऑप्शन में जो मिलता आंसर उसके अंदर इस 1 को भी कितनी बार वो ऑप्शन में शामिल कर लेता है, आंसर बहुत ही क्लोज होते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि इसके साथ में ये स्मॉल है। अब आपके पास जो आंसर होंगे वो आंसर बिल्कुल इस तरीके से होंगे 0 1 0 1 0 1 0 1। अब यहाँ वो इस तरीके से भी कर सकता है,
वो इस तरीके से कर सकता है, वो इस तरीके से कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पर भली वो कोई भी कहीं चेंज कर सकता है, ठीक है, या भली माइनस में कर सकता है। तो ये इस तरीके से काफ़ी क्लोज रिलेशन दिख रहे हैं आपको इसके अंदर, इसके अंदर इसको शामिल कर देगा और इसको ये कर देगा, बात वो कि वही है। तो इन चारों कंडीशन देखिए सारे आंसर एकदम क्लोज लग रहे हैं, लेकिन हमारा आंसर जो है ये जीरो शामिल है और वन शामिल नहीं है, तो ये आंसर होगा हमारा इस तरीके से, तो आप ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, ये आप देखें सेवंथ क्वेश्चन में मैंने 1/4 - x² इस तरीके के क्वेश्चन में रेंज यानी परिसर ज्ञात करना है, सब में आपको y में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उस केस में मैंने इसको x के लिए सोल्व किया और सोल्व करते ही आप देखो कि 4y - 1/y हमारे पास दो चीज़ें हैं, y नीचे आ रहा है, 4y - 1 ऊपर आ रहा है। तो ऊपर वाली टर्म तो पहली बात तो ये पूरा जीरो से ग्रेटर एंड इक्वल देना होना चाहिए, लेकिन 4y - 1 ग्रेटर एंड इक्वल देना जीरो होना चाहिए और y जीरो नहीं होगा, लेकिन हम y को जीरो से लेस मान सकते हैं। अभी पीछे वाले क्वेश्चन पढ़ने किया कि y को आप जीरो से कम तो कर सकते हो, माइनस में तो ले ही सकते हो, क्योंकि y माइनस में लोगे तो आपके वापस पूरा ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस केस में आप y ग्रेटर एंड इक्वल देन 1/4 कर दें तो y बिलोंग्स टू 1/4 टू इन्फिनिट हो जाएगा, लेकिन ये आंसर नहीं है। इधर मैंने y नॉट इक्वल जीरो कर रखा है, यानी y में से जीरो को, y की वैल्यू जीरो को रिमूव कर दिए, और यहाँ पर ये है, लेकिन ये कंडीशन तो अप्लाई होगी, अभी मैंने पीछे बताया था। तो y लेस देन जीरो होगा, तो यहाँ y माइनस इन्फिनिटी टू जीरो हो जाएगा, यानी ये वाली कंडीशन भी अप्लाई होगी और ये वाली कंडीशन भी अप्लाई होगी, बस खाली जीरो को छोड़ना पड़ेगा और फिर जीरो से लेकर के न बीच में 1/4 तक की वैल्यू, ठीक है ना। ये इस तरीके से ये y इन्फिनिटी, ये माइनस का इन्फिनिटी, और यहाँ y इक्वल टू ज़ीरो और y इक्वल टू 1/4, सपोज y इक्वल टू 1/4, तो यहाँ ज़ीरो से लेकर के 1/4 के बीच की वैल्यू को हम प्रोहिबिटेड कर दें, वर्जित कर रहे हैं इसके अंदर, ये इसके अंदर। तो उस केस में आपके माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो और ये यहाँ से यहाँ तक और उधर वापस 1/4 से इन्फिनिटी तक, ये जो है इसके अंदर रेंज में शामिल होगा एरिया पूरा। तो इस तरीके से इसकी रेंज यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। कभी भी ऊपर और नीचे की दोनों टर्म को अलग अलग देखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमारे ग्रेटर एंड इक्वल देन हो सकती है, लेकिन ये केवल लेस देन इक्वल हो सकती है, ग्रेटर भी नहीं हो सकती और जीरो भी नहीं हो सकती है। ग्रेटर करोगे वाई की वैल्यू तो थोड़ी देर बाद में ये नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए आपको दोनों चीज़ों को अलग अलग देखना पड़ेगा। फिर मैंने क्वेश्चन लिया है थोड़ा अलग तरह का, f(x)= x + 3 का मोड। आपको ये बात पता है कि x + 3 का मोड है वो ग्रेटर एंड इक्वल देन जीरो होना चाहिए, तो सेम आपके ये डायरेक्ट फंक्शन बन गया, इसको y में लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो ये वही ग्रेटर एंड इक्वल देन जीरो हो जाएगा। ऐसे फंक्शन कितने बार आते हैं आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो यहाँ ये जीरो टू इन्फिनिटी हो जाएगा, इसमें तो क्लियर दिख रहा है, जीरो और जीरो से बड़ा तो जीरो और जीरो से बड़ा। अब मैंने थोड़ा चेंज किया यहाँ पर, यहाँ देखें आप f(x)= 3 - mod of x + 4, यहाँ पर मैंने फंक्शन को सेट कर लिया है, कुछ नहीं, पहले मैंने x + 4 को ग्रेटर एंड इक्वल देन जीरो लिखा फॉर एवरी x + 2 के लिए, फिर मैंने दोनों तरफ माइनस किया, माइनस करते ही सिंबल चेंज हो जाएगा, ग्रेटर से लेस हो जाएगा, फिर मैंने दोनों तरफ 3+ किया, 3+ करते ही ये हमारा फंक्शन fx बन जाएगा और इधर लेस एंड इक्वल देन 3 हो जाएगा। तो यहाँ y लेस एंड इक्वल देन 3, अब यहाँ यूनिक ही आपकी ये वैल्यू आ गई, तो आपने इसको y लेस एंड इक्वल देन 3 तो ये 3 और उससे लेस खाली ये डाल दिया। हमें एक चीज़ वापस देखनी पड़ेगी यहाँ पर कि इसमें y फंक्शन को पूरा विदायट आंसर कभी नहीं लिखना है, वैसे इसके अंदर कोई चेंज नहीं है, फिर भी आपको थोड़ा सा कि जैसे ये हमारे पास में एक्स एक्सेज है, वाई एक्सेज है और वाई की वैल्यू 3, तो ये y इक्वल टू 3 हो जाएगा, इधर माइनस का इन्फिनिटिव हो जाएगा y इक्वल टू,
तो यहाँ से y को इंक्लूड करते हुए नीचे की तरफ बढ़ना है, तो नीचे की तरफ के और इसके अंदर कोई भी रेस्ट्रिक्ट नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, तो आप आराम से इधर का पूरा एरिया y इक्वल टू 3 to निगेटिव में माइनस इन्फिनिटिव, यानी ये पूरा एरिया आपके काम आ जाएगा। तो माइनस इन्फिनिटिव टू 3 ये इसके आंसर हो जाएंगे, 3 इंक्लूड, ये इंक्लूड नहीं। इस तरीके से आप ऐसे फंक्शन करें। फिर एक क्वेश्चन मैंने और लिया है, एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि इस क्वेश्चन ने किसी भी एग्ज़ाम को नहीं छोड़ा। fx इक्वल टू एक्स मोड ऑफ x, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो रेंज फाइंड करनी है, देखो डोमेन तो इसका R हो जाएगा क्योंकि x की तो हर एक वैल्यू को ये अटेंड करेगा, लेकिन अब यहाँ रेंज फाइंड करना, पहली बात तो मैं डायरेक्ट कह देता हूँ आपको, इसको इसकी ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इसकी रेंज है, आप डायरेक्ट इसके लिए आंसर याद ही रख लें, यानी कि एक तरह से ये R ही हुआ, ठीक है ना। लेकिन इसको मैं थोड़ा करके बता रहा हूँ कि कभी ऐसी स्थिति बने तो कैसे इसको सोल्व किया जाएगा। मैंने इसको वायलेट कर लिया, दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ये 4x4 हो जाएगा। सोल्व किया, यहाँ मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई लिया, दूसरा एक्स माइनस वाई लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई तो नॉट इक्वल 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें ये रियल नहीं है, आइटम आ जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो एक्स स्क्वायर टू प्लस माइनस रूट वाई। अब यहाँ अगर आप देखो तो वाई जो है ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 हो रहा है, तो हमारे वाई बिलोंग्स टू 0 to इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ 0 इंक्लूड, ये इंक्लूड नहीं, यानी कि एक तरह से हमारे को लग रहा है कि ये इसकी रेंज आ गई, लेकिन अभी ये रेंज नहीं है क्योंकि फंक्शन में हमारे दे रखा था एक्स का वापस मल्टीप्लाई भी कर रखा है, तो उस केस में क्योंकि वाई इक्वल टू एक्स मोड ऑफ एक्स, तो उस कंडीशन में वाई बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा, क्योंकि वाई की वैल्यू इसके अंदर माइनस में भी हो सकती है क्योंकि एक्स बाहर बैठा हुआ है। तो अगर आप एक्स की वैल्यू माइनस में लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ कह दिया है कि एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी, आप एक्स की सभी वैल्यू ले सकते हैं, तो एक्स की वैल्यू जब यहाँ तो आप माइनस प्लस ले रहे हैं तो वो वापस प्लस कर देगा, लेकिन यहाँ एक्स बाहर माइनस बैठा हुआ है, इसका मतलब आप एक्स की वैल्यू माइनस में भी ले सकते हैं, और माइनस में जब लेंगे तो उस केस में आपके ये माइनस इन्फिनिटी टू 0 भी इसमें शामिल हो जाएगा। सबसे खास बात ये, क्योंकि एक्स माइनस में लेते ही वाई माइनस में आ जाएगा, तो फिर अपन वाई को केवल पॉजिटिव ही कैसे ले सकते हैं, माइनस में भी जाएगा, और इसलिए यहाँ माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 0 to इन्फिनिटी, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस वाला भी और प्लस वाला, तो मैंने माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कर दिया, और इस तरीके से ये हमारे क्या बन जाएगा, रेंज R, क्योंकि ये हमारे R ही कहलाएगा। तो इस तरीके के फंक्शन को आपको ज़रूर अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। ये क्वेश्चन RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और JEE मेंस वगैरह सब के अंदर पूछा हुआ है, आपको अच्छी तरह से इसको याद ही रख लेना है इसके अंदर, ताकि आपका क्वेश्चन सही हो जाए, क्योंकि बार एक्सपेक्ट किया था इसलिए। ओके